नमस्कार, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल देसाई एग्रीकल्चर एकेडमी। और आज के इस वीडियो में फिर से एक बार हम पढ़ने वाले हैं एग्री इन्फॉर्मेटिक्स बीएससी एजी फोर्थ सेमेस्टर। तो क्लास ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी आप सभी के लिए। वीडियो पूरा वॉच करना, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना, क्योंकि अंत तक ही आपके क्वेश्चंस बहुत वीआईपी आने वाले हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखेंगे किसी भी प्रोग्राम में ईयर को क्या कहते हैं। कोई भी प्रोग्राम है, कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम होता है, उसमें जो गलती हो जाती है, अशुद्धि हो जाती है, यानी एरर हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बग बोलते हैं। बग WWW के निर्माता कौन है, इसका पूरा नाम होता है बर्ड बाइड वेब, और इसके निर्माता हैं टिम बर्नर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, WWW का पूरा नाम क्या, बर्ड बाइड वेब। वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, बच्चों हाइपरलिंक होता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये भी कि वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, बच्चों तो क्या आंसर होगा, हाइपरलिंक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वाईफाई का पूरा नाम क्या है, वायरलेस फिडेलिटी। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी होती है, तो रैम और रोम, ये दोनों कंप्यूटर की मुख्य यानी मेन मेमोरी होती हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। रैम कैसी मेमोरी बच्चों, है वोलेटाइल है। रैम मेमोरी जो होती है, इसको पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और यह एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, जबकि वहीं पे रोम जो है वो कैसी है, रीड ओनली मेमोरी, और ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है बच्चों। चलिए जब किसी कंप्यूटर से डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके बाहर निकाला जाता है उसे क्या बोलते हैं। मान लीजिएगा कोई भी कंप्यूटर है और उससे डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके बाहर निकाला जाए उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी। नेक्स्ट, किसी भी शब्द को लिखते समय हमारे पोजीशन का पता किसे से चलता है, ब्लिंकर से। कोई भी शब्द लिखा जाए उसमें जो हमारी पोजीशन है उसका पता कैसे लगेगा, ब्लिंकर से। किसी चलते हुए कंप्यूटर या प्रोग्राम का अचानक बंद हो जाना क्या कहलाता है, क्रैश। मान लीजिएगा कोई भी कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम चल रहा है और अचानक अगर बंद हो जाए तो उसे क्रैश बोलते हैं। किसी भी प्रोग्राम का चित्रीय रूपांतरण क्या कहलाता है, कोई भी प्रोग्राम है उसका चित्रीय रूपांतरण बच्चों क्या कहलाता है, फ्लो चार्ट। आंसर करेक्ट हो जाएगा, फ्लो चार्ट यहाँ पे करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट, आठ बिट्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक बाइट, यानी आठ बिट्स किसके बराबर होंगे बच्चों, एक बाइट बराबर क्या हो जाएगा, आठ बिट्स, आठ बिट्स होंगे एक बाइट में, और दो निबल बराबर एक बिट्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा कंप्यूटर द्वारा दिए गए आउटपुट का परिणाम है, डेटा निर्देश भ्रमण सूचना,
तो सूचना करेक्ट उत्तर होता है सूचना, इन्फॉर्मेशन। इनमें से किस मेमोरी को रीड या राइट मेमोरी के नाम से जाना जाता है? तो प्यारे बच्चों रैम को जानते हैं, ठीक है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर से मुद्रित आउटपुट को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर से मुद्रित आउटपुट को क्या कहा जाता है बच्चों? हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी यहाँ पे राइट है। कंप्यूटर से मुद्रित जो आउटपुट होता है उसे हार्ड कॉपी कहते हैं। एमएस वर्ड किसका उदाहरण होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। जो एमएस वर्ड है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग के द्वारा डिस्क को आप ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड कर सकते हैं फॉर्मेटिंग के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो 8 बिट होते हैं बच्चों। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8। अगला, चार बिट में कितने निब्बल होते हैं? 1 निब्बल, यानी जो 4 बिट में जो है 1 निब्बल होता है। HTTP को किसका बैकबोन कहा जाता है? ये जो है WWW का जो बैकबोन बोलते हैं उसे HTTP को बोलते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कॉम्पैक्ट डिस्क को किन नामों से जाना जाता है बच्चों? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसको ऑप्टिकल डिस्क की भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ऑप्टिकल डिस्क। मदरबोर्ड कंप्यूटर का कैसा उपकरण है? मदरबोर्ड प्रोसेसिंग उपकरण होता है ये कंप्यूटर का, ठीक है। वहीं बच्चों बात करें हम लोग मॉनिटर कंप्यूटर का कैसा उपकरण है, तो ये आउटपुट उपकरण होता है। जो मॉनिटर है, प्रिंटर है, ये कैसे उपकरण होते हैं? आउटपुट वाले होते हैं, ठीक है। 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं? काफी अच्छा है, 1024 किलोबाइट। एक मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं? तो 1024 यानी 1024 किलोबाइट। कंप्यूटर के डिजिटल आंकड़ों को कौन स्टोर करता है? मेमोरी करती है स्टोर, सीधी सी बात है। भारत का प्रथम कंप्यूटर युक्त डाकघर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है बच्चों। डिजिटल कैमरा में क्या प्रयोग किया जाता है? तो फोटो डायोड का करा जाता है। जो डिजिटल कैमरा होते हैं, जो डिजिटल कैमरा होते हैं उसमें फोटो डायोड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन था? द हिंदू था, ठीक है। इंटरनेट पर वेबसाइट बनाने वाली पहली राजनीतिक पार्टी का नाम BJP थी। और कंप्यूटर का मुख्य पटल जो है वो किसे बोलते हैं? मदरबोर्ड को। वह प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलता है, हाई लेवल लैंग्वेज को जो है मशीन भाषा में बदलता है, उसे क्या बोलते हैं? कंपाइलर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, पिछली परीक्षा में ये आया था। इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश को क्या बोलते हैं? ईमेल। इंटरनेट पर जो संदेश भेजा जाता है उसे ईमेल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटर का जनरेशन किसको कहते हैं? किसको कंप्यूटर का जनरेशन कहते हैं? तो चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं बच्चा, चार्ल्स बेबेज। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है बच्चों? सिद्धार्थ। नेक्स्ट,
कंप्यूटर कौन सी भाषा पर काम करता है बच्चों? मशीन भाषा पर करता है। कंप्यूटर जो है मशीन भाषा पर काम करता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, डेटा का अर्थ क्या है? डेटा का उपयोगी बनाना। डेटा का अर्थ क्या होता है? डेटा को उपयोगी बनाना। सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा बच्चों? तो सुपर कंप्यूटर, जो सुपर कंप्यूटर होते हैं ये सबसे तेज होते हैं, ठीक है। सुपर कंप्यूटर सबसे तेज होते हैं। नेक्स्ट, आईमैक एक प्रकार का है, तो आईमैक क्या होती है? एक प्रकार की मशीन होती है। एक निब्बल में कितने बिट होते हैं? 4 बिट। सी डबल प्लस क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है बच्चों, ठीक है ना। मैग्नेटिक स्ट्रिप में कितने करेक्टर होते हैं? 60 होते हैं टोटल। चिप किस चीज का बना होता है? सिलिकॉन का। जो हमारा चिप है वो सिलिकॉन का बना होता है। विश्व का प्रथम प्रोग्रामर कौन है? लेडी एडा अगस्ता। कंप्यूटर के मशीनी अंग को क्या बोलते हैं बच्चों? हार्डवेयर। जो कंप्यूटर का मशीनी अंग है उसे हार्डवेयर बोलेंगे, और कंप्यूटर की अशुद्धि को बोलते हैं बग। कंप्यूटर का पिता किसे बोलते हैं? चार्ल्स बेबेज को। और कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? 2 दिसंबर को। माउस कंप्यूटर की कैसी डिवाइस है? माउस है, स्कैनर है, कीबोर्ड है, जॉयस्टिक है, ये सब होती है इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, आपके एग्जाम के लिए लाभकारी रहेगी, इसलिए पेपर से पहले वीडियो पूरा देख के जाना। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।